560 करोड़ रुपए एक फाइट के लिए। जी हाँ, आपने जो सुना वो सही है, 500 करोड़ मिल रहे हैं एक फाइट के लिए। अभी जो है एंथनी जोशुआ फ्रांसिस निंगानो के बीच में जो है जो बाउट हो रही है उसमें मिल रहे हैं 560 करोड़ रुपए। तो दोस्तों आपने देखा होगा, इससे पहले जो है फ्रांसिस निंगानो ने बाउट लड़ी थी टाइसन फ्यूरी के साथ। जब बाउट लड़ी थी तो इस बाउट में टाइसन फ्यूरी बाउट को जीत गए थे स्प्लिट डिसीजन से, लेकिन दर्शकों का दिल जीता था फ्रांसिस निंगानो ने। फ्रांसिस निंगानो की ये जो है पहली बॉक्सिंग मैच था एमएमए छोड़ने के बाद। एमएमए में वो मांग रहे थे इंक्रीमेंट मांग रहे थे वो अपने प्रमोटरों से, लेकिन उन्होंने देने से मना कर दिया और उन्होंने वहां पे जो है क्या बोलते हैं एमएमए को छोड़ दिया, यूएफसी एमएमए को उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने बॉक्सिंग में बॉक्सिंग के प्रमोटरों के साथ आए, यहाँ पे जो है उन्होंने अपना एक टीम तैयार करी और यहाँ पे जो है उन्होंने अपने एक उनकी टीम ने उनके लिए एक बाउट अरेंज करी टाइसन फ्यूरी के साथ, और इस बाउट में जो है उनको प्राइज मनी मिली $10 मिलियन, मतलब 80 करोड़ रुपए इंडियन रुपीज के हिसाब से। तो जब उन्होंने 80 करोड़ रुपए मिले, वहां पे अच्छा परफॉर्मेंस किया, थर्ड राउंड में टाइसन फ्यूरी को उन्होंने नॉकडाउन भी किया था, लेकिन स्प्लिट डिसीजन से आप लोगों ने देखा होगा स्प्लिट डिसीजन से टाइसन फ्यूरी इस मैच को जीत गए थे। लेकिन दोस्तों इस मैच का बोनस मिला फ्रांसिस निंगानो को कि उनका मैच लगा क्या बोलते हैं एंथोनी जोशुआ के साथ, और एंथोनी जोशुआ के साथ जो मैच होने जा रहा है उसमें 560 करोड़ रुपए मिल रहे हैं दोस्तों उस बाउट में। तो फ्रांसिस निंगानो को इसमें मिल रहे जस्ट डबल, मतलब पिछली बाउट जो उन्होंने लड़ी थी उसके डबल मनी मिल रही है उनको। इसमें मिल रहा है उनको $20 मिलियन, मतलब 160 करोड़ रुपए मिल रहे हैं उनको। और आप यकीन नहीं करें, एंथोनी जोशुआ को 400 करोड़ मिल रहे हैं इस बाउट को खेलने का, और इस बाउट को खेलने का 400 करोड़ रुपए हैं। और जो उनपे स्पॉन्सरशिप लगेगी वो अलग है दोस्तों, वो अभी नहीं बताया मैंने, वो अलग है। जो उनके जो है उनके जो रिंग शूज होंगे उनमें जो लिखे जाएंगे, या फिर उनके जो शॉर्ट्स होगा या उनके बॉक्सिंग ग्लव्स होंगे उनमें जो लिखा जाएगा, जो स्पॉन्सरशिप मिलेगी वो अलग है। अभी ये मनी जो है 400 करोड़ रुपए जो एंथोनी जोशुआ को मिलने जा रही है, तो यार बहुत अच्छी खासी प्राइज मनी है। मिले भी कैसे ना, आखिर ओलंपिक गोल्ड मेडल बंदा है और प्रोफेशनल रिकॉर्ड भी अच्छा खासा है, 27 बाउट लड़ी है जिसमें से जो है नहीं 30 बाउट लड़ी है, 27 जीती है, तो अच्छा खासा रिकॉर्ड है, 24 नॉकआउट्स है उसमें, तो बहुत ही जबरदस्त इनका जो है रिकॉर्ड है। तो यार आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या लगता है इस बाउट में कौन जीतेगा इस बाउट में और कितने राउंड चल सकती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू सो मच।